हेलो स्टूडेंट, आज मैं वेस्टर्न लॉजिक पढ़ाने जा रही हूँ। वेस्टर्न लॉजिक में मैंने पहले भी आप लोगों को कुछ बताया है, आज मैं सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट बताने जा रही हूँ। सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट, जितने प्रकथन हैं उन्हें दो वर्गों में बांटा जा सकता है। जितने भी प्रकथन है, प्रकथन किसे कहा जाता है सो आप लोग को पहले से पता है, या स्टेटमेंट उसे कहते हैं जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कोई विवरण देते हैं या सूचना मिलती है तो उसे हम प्रकथन कहते हैं। जितने भी प्रकथन है दो वर्गों में बांटा जा सकता है, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। ये जो वेस्टर्न लॉजिक है ये 20th सेंचुरी का लॉजिक है और आईएम कॉपी ने इसको लिखा है। तो आईएम कॉपी ने परिभाषा दिया है, मैं उसको बता रही हूँ। आईएम कॉपी के अनुसार ए सिंपल स्टेटमेंट इज वन दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर स्टेटमेंट एज ए कंपोनेंट पार्ट, वेयर एज कंपाउंड स्टेटमेंट डज कंटेन अनोदर स्टेटमेंट एज ए कंपोनेंट पार्ट। कहने का अर्थ है कि सरल प्रकथन वह है जिसमें कंपोनेंट पार्ट के रूप में कोई दूसरा प्रकथन नहीं हो, जबकि कंपाउंड स्टेटमेंट वह है जिसमें कंपोनेंट पार्ट के रूप में कोई दूसरा प्रकथन हो। जैसे कहते हैं रोजेज आर रेड, ये सिंपल स्टेटमेंट है, रोजेज आर रेड। जब हम कहते हैं कि रोजेज आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाते हैं। सिंबॉलिक लॉजिक में ये जो सिंबॉलिक लॉजिक जो जिसके नाम से फेमस है, ये जो सिंबल है तो सिंपल से जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो वो जो कनेक्टिंग वर्ड है उसी का सिंबल होता है। तो विभिन्न तरह के कनेक्टिंग वर्ड से हम सिंपल से कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं और उस कनेक्टिंग वर्ड से कंपाउंड स्टेटमेंट का नाम उसका डिसाइड होता है। जैसे हम एंड से जब दो सरल प्रकथन को एंड से जोड़ते हैं तो वह कंजंक्शन कहलाता है, और से जोड़ते हैं तो वह डिसजंक्शन कहलाता है, नोट से जोड़ते हैं तो निगेशन कहलाता है, इफ देन से यदि हम जोड़ते हैं तो उसको इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो चार तरह के हो गए, चार तरह के कंपाउंड स्टेटमेंट हो गए। मेरे को इसमें बताना है कि इस चारों का डिफिनीशन क्या है और इस चारों का ट्रुथ वैल्यू और ट्रुथ टेबल, तीन चीज मेरे को बताना है। और आप लोगों को ऑनर्स में भी पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये जब तीन चीज आप लोग जान जाएंगे, पहला क्या जानेंगे ये होते क्या है और इसमें इसके ट्रुथ वैल्यू सत्यता मूल्य क्या है और इसके ट्रुथ टेबल क्या है। तो सबसे पहले मैं कंजंक्शन को बताने जा रही हूँ। कंजंक्शन, जब दो सरल प्रकथन एंड से जुड़ा हो, एंड कनेक्टिंग वर्ड से, दो सरल प्रकथन जब एंड कनेक्टिंग वर्ड से जुड़ा हो तो वह कंजंक्शन कहलाता है। कंजंक्शन में क्या होता है कि सिंपल स्टेटमेंट हो गया और उसको एंड से जोड़े, जैसे कि रोजेज आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू। तो रोजेज आर रेड जो है ये एक कंजंक्ट हो गया और वायलेट्स आर ब्लू जो है दूसरे कंजंक्ट हो गए, और इन दोनों कंजंक्ट को हम किससे जोड़ते हैं, एंड से जोड़ते हैं। तो सिंबॉलिक लॉजिक में जो सिंबल होता है इसी एंड का होता है। तो ये रोजेज आर रेड को यदि हम पी माने और वायलेट्स आर ब्लू को यदि हम क्यू माने, क्योंकि सिंबॉलिक लॉजिक हम क्या करते हैं इसका प्रयोग हम मेरे को वहां करना है, कोई भी जैसे मैथ होता है ना, तो मैथ में क्या होता है कि सबका फॉर्मूला होता है, उसी तरह हम लोग इसका एक तरह का फॉर्मूला ही बनाते हैं। तो इसको यदि रोजेज आर रेड को हम पी माने, वायलेट्स आर ब्लू को हम क्यू माने, और एंड जो उसका प्रतीक है कनेक्टिंग वर्ड जिससे हम दोनों को जोड़ते हैं उसका सिंबॉलिक लॉजिक में सिंबल है डॉट, बिंदु। तो इसका इसका हो गया
मतलब कंजंक्शन हो गया पी डॉट क्यू, पी डॉट क्यू क्या बोलेंगे हम, पी डॉट क्यू। तो पी डॉट क्यू से हम किसी को भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि हम अभी रोजेज और रेट को पी मानते हैं, हम किसी भी स्टेटमेंट को हम पी माने सिंपल स्टेटमेंट को, और दूसरे सिंपल स्टेटमेंट को हम क्यू मान सकते हैं। बट एंड का जो सिंबल है वह डिफिनिट है, एंड जो है वो वही रहेगा। तो पी डॉट क्यू ये क्या हो गया, कंजंक्शन। पी डॉट क्यू कंजंक्शन कहेंगे। अब कंजंक्शन जो है इसको कहा जाता है, कोपी ने स्पष्ट कहा है, कंजंक्शन जो है ट्रुथ फंक्शनल कंपाउंड स्टेटमेंट है। ट्रुथ फंक्शनल, ट्रुथ फंक्शनल किसको बोलेंगे हम, जो सत्य या असत्य होते हैं। ये कोई मेरा विश्वास नहीं है कि कंजंक्शन जो है कि मेरा ऐसा विश्वास है कि रोजेज आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू, ये मेरा विश्वास नहीं है। ये रोजेज के बारे में या वायलेट्स के बारे में एक विवरण है कि वह लाल होते हैं और वायलेट जो है वह ब्लू होते हैं। तो ये कहलाते हैं सिंबॉलिक लॉजिक में इसको कहा जाता है ट्रुथ फंक्शनल कंपाउंड स्टेटमेंट। और इसका जो कनेक्टिंग वर्ड है डॉट, ये ट्रुथ फंक्शनल कंपोनेंट कहलाते हैं। ये सिंबल ट्रुथ फंक्शनल सिंबल हो गया। तो ये जो हो गया पी डॉट क्यू, इसको क्या बोलेंगे, ट्रुथ फंक्शनल कंपाउंड स्टेटमेंट। अब इसका सत्यता मूल्य हमें देना है। तो कंजंक्शन का सत्यता मूल्य, कंजंक्शन का सत्यता मूल्य जो होता है ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू को हमको बताने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको क्या करते हैं, ट्रुथ वैल्यू इसका एक फॉर्मूला है कि कंजंक्शन एक ही अवस्था में सत्य होता है जब इसके दोनों कंजंक्ट सत्य हो। जैसे P और Q को हम चार तरह से देख सकते हैं कि यदि P सत्य हो और Q सत्य हो तो कंजंक्शन क्या होगा, सत्य होगा। यदि P असत्य हो और Q सत्य हो तो कंजंक्शन क्या होगा, असत्य होगा। यदि P और Q दोनों असत्य हो तो कंजंक्शन क्या होगा, कंजंक्शन असत्य होगा। और यदि Q सत्य हो और P असत्य हो तब भी कंजंक्शन असत्य होगा। तो सत्यता मूल्य जो कंजंक्शन का होता है वह क्या होता है, उसका मतलब उसको हम लोग सिंबलाइज जब करते हैं तो सत्यता मूल्य इसी तरह डिसाइड किया जाता है पी डॉट क्यू। अब इसका क्या है कि ट्रुथ वैल्यू आप लोग देख रहे हैं, उसमें आप लोग को मैंने दे दिया है, ये जो पीपीटी बना है या पीडीएफ बना है उसमें मैंने आप लोगों को स्पष्ट दे दिया है कि पी एंड क्यू का सत्यता मूल्य दे दिया है। टेबल इसका बताना है, टेबल जो होता है उसी टेबल फॉर्म पर हम इसको सिंबलाइज करते हैं। टेबल कैसे बनाया जाता है ये मैंने क्लास में भी बता दिया है, और अभी जो टेबल है जैसे P है, Q है, P डॉट Q, P Q, P यदि सत्य है और Q भी सत्य है तो P डॉट Q क्या होगा, सत्य होगा। ये टेबल आप लोग देखिए अच्छा से, यहाँ टेबल दिया हुआ है। कोपी ने स्पष्ट कहा है कि कंजंक्शन का जो ट्रुथ वैल्यू है ये स्पष्ट मैंने उसमें सारा चीज दे दिया है। इन केस P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू, P डॉट Q इज ट्रू। इन केस P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, P डॉट Q इज फॉल्स। इन केस P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू, P डॉट Q इज फॉल्स। इन केस P इज फॉल्स एंड Q इज फॉल्स, P डॉट Q इज फॉल्स। अब ट्रुथ टेबल भी आप देख लीजिए, P Q P डॉट Q T T T T F T F T F और F F ये हो गया। तो इस तरह कंजंक्शन का मैंने तीन चीज बताया, इसका डिफिनिशन बताया, सत्यता मूल्य बताया और ट्रुथ टेबल बताया। अब जो है हम निगेशन के बारे में बताएंगे। निगेशन जो होता है कहता है सिंपल स्टेटमेंट को जब हम निषेध करते हैं, कोई भी सिंपल स्टेटमेंट को जब हम डिनायल करते हैं, जब हम निषेध करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड स्टेटमेंट हुआ हो जाता है। तो
तो जैसे कि इट इज, एक उदाहरण के द्वारा बता रही हूँ, जैसे इट इज नॉट द केस दैट लीड इज हेवियर देन गोल्ड, ये क्या है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसमें क्या किया है कि लीड इज हेवियर देन गोल्ड को हम क्या करते हैं, डिनाइल करते हैं कि ऐसी कोई अवस्था नहीं है, लीड इज हेवियर देन गोल्ड, ये क्या हो गया, कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। और इसको कहा जाता है निगेशन या निगेटिव स्टेटमेंट, कहते हैं निगेटिव स्टेटमेंट जो होता है ये सिंपल स्टेटमेंट को और कुछ नहीं है, इसका जो निगेटिव स्टेटमेंट है, जो निषेध है, उसका प्रतीक जो होता है कर्ल या टिल्डे होता है उसको, जैसे कि कंजंक्शन में एंड का प्रतीक क्या होता है, डॉट होता है, और निगेशन में जो निषेध होता है उसको कर्ल या टिल्डे कहा जाता है। तो इट इज नॉट द केस कर्ल हो गया, और देन लीड इज हैवियर देन गोल्ड, इसको क्या मानते हैं, पी मानते हैं। तो इसका सत्यता मूल्य होता है, किसी सत्य प्रकथन का निषेध असत्य होता है और असत्य प्रकथन का निषेध सत्य होता है। तो इसका हो गया ट्रुथ टेबल, इसका हो गया कि पी कर्ल पी, इसका ट्रुथ टेबल हो गया पी कर्ल पी, टी एफ और एफ टी, ये हो गया। अब मेरे को बताना है डिसजंक्शन का, डिसजंक्शन अब देखिए, पहला क्या हो गया कंजंक्शन निगेशन, और तीसरा हो गया डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या है, जब दो सिंपल स्टेटमेंट या कहते हैं या आइदर और दोनों होता है, या वियोजित रूप से जुड़ा हो तो उसे डिसजंक्शन कहा जाता है। जब दो सरल प्रकथन या से जुड़ा हो तो उसे डिसजंक्शन कहा जाता है। जिन सरल प्रकथन को इस प्रकार संबद्ध किया जाता है उसे डिसजंक्ट कहा जाता है। तो कहते हैं when two statements are combined disjunctively the or between them the resulting compound statement is a disjunction या alternation, and two statements combined are called disjunct। इस तरह either or इसका या odd इसका सिंबल होता है। अब इसमें एक कठिनाई हुआ है, कठिनाई क्या है, जैसे हम कंजंक्शन में बहुत आसानी से एंड का सिंबल बता दिए, डिसजंक्शन में वैसी आसानी से हम नहीं कर सकते हैं। डिसजंक्शन में क्या है कि डिसजंक्शन का दो अर्थों में प्रयोग होता है, एक है वीक या इंक्लूसिव, दूसरा है स्ट्रॉन्ग या एक्सक्लूसिव। वीक और इंक्लूसिव में कम से कम एक विकल्प अवश्य सत्य होगा, पर दोनों सत्य हो सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल के द्वारा बता सकते हैं कि हरी इज आइदर इंटेलिजेंट और लेबोरियस, हरी या तो इंटेलिजेंट है या लेबोरियस है, हरी इंटेलिजेंट और लेबोरियस दोनों एक साथ हो सकता है, या दोनों में कोई हो सकता है, सत्य हो सकता है, बहुत आसान है ये। और शब्द का वीक या इंक्लूसिव अर्थ है, लेकिन और शब्द का सबल अर्थ, सबल या व्यावर्तक, जिसको हम स्ट्रॉन्ग या एक्सक्लूसिव अर्थ में, इतना आसान नहीं है। इसमें क्या है कि उसमें कम से कम एक विकल्प सत्य होगा, दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं। जैसे कहते हैं राम इज अलाइव और डेड, राम या तो जीवित है या मृत है, तो इसमें क्या होता है, राम दोनों में एक तो सत्य होगा। इस तरह हम देखते हैं कि डिसजंक्शन में कम से कम एक विकल्प अवश्य सत्य होता है। वीक या इंक्लूसिव डिसजंक्शन का यह क्या हुआ, कंप्लीट अर्थ हुआ, जबकि निबल कंप्लीट हो गया, सबल में इसका आंशिक अर्थ होता है, लेकिन ये एक तरह से हम लोग इसी को मान लेते हैं। अब लैटिन भाषा में वेल शब्द VEL वेल और के इंक्लूसिव अर्थ को व्यक्त करता है, और ऑट AUT ऑट शब्द और के एक्सक्लूसिव अर्थ को व्यक्त करता है। अब वेल का जो प्रथम अक्षर भी है, इस डिसजंक्शन का सिंबल ये भी से हम लोग करते हैं, या इसको वेज भी बोला जाता है। और के रूप में क्या हो गया, भी या वेल,
इसको वेज भी कहते हैं, वेल भी कहते हैं। यदि हम हरी इंटेलिजेंट को पी माने और हरी इज लेबोरियस को हम क्यू माने, तो इसका सिंबल हो जाएगा पी वेल क्यू। ये हो गया अब ट्रूथ वैल्यू ऑफ डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का सत्यता मूल्य। डिसजंक्शन में क्या होता है कि इसके सत्यता मूल्य में एक भी यदि डिसजंक्ट सत्य हो तो डिसजंक्शन सत्य होता है। तो हम चार स्थिति में जैसे उसका देखें, वियोजन सिर्फ एक ही अवस्था में असत्य होता है जब दोनों डिसजंक्ट इसका असत्य हो, अन्य अवस्थाओं में यह सत्य होता है। सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल इसका हम दिखा सकते हैं, ट्रुथ टेबल इसका देखिए। जैसे टी टी हो गया, टी एफ टी एफ टी टी एफ एफ टी, ये हो गया कंप्लीट। मतलब अभी तक मैंने तीन का बता दिया, किसका किसका बताया, कंजंक्शन का, निगेशन का, डिसजंक्शन का। कंजंक्शन किससे जुड़ता है, एंड से। निगेशन किससे होता है, नोट से, या कोई भी सिंपल स्टेटमेंट को जब हम निषेध करते हैं, जब उसको निगेट करते हैं, डिनाइल करते हैं, उसमें नो, नेवर, नोट ए सिंगल, इन नो केस, ये जिसको भी आप उसमें दे दीजिए, जो भी सिंपल स्टेटमेंट में ये लगा होगा तो आप समझ जाइए कि वो कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। और उसको क्या होता है कि वो उसका निषेध कर उसका सिंबल होता है। और तीसरा हो गया आपको डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में आपने देख लिया कि और से जो जुड़ा होता है, कनेक्टिंग वर्ड और, तो और में क्या होता है, जैसे हरी इज आइदर इंटेलिजेंट और लेबोरियस, हरी इज आइदर अलाइव और डेड, अलाइव और डेड, या तो हरी जीवित है, दोनों में एक तो अवश्य सत्य होगा, इसीलिए इसका ट्रुथ टेबल आसान है। आपको याद रखना है इसका ट्रुथ टेबल पी क्यू पी डॉट पी क्यू पी भेज क्यू टी 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 एफ टी एफ टी टी एफ एफ टी, ये हो गया। अब आप चलिए चौथा बचा है, चौथा क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट या इम्प्लीकेशन। इसको क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट या इम्प्लीकेशन। तो इसमें क्या होता है कि अगर तो, इफ डॉट 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 देन, अगर तो कनेक्टिंग वर्ड से जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है उसे क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है या इम्प्लीकेशन उसको कहते हैं। जैसे उदाहरणतः क्या है कि देयर इज सन, इफ देयर इज सन देन देयर इज लाइट, इफ देयर इज सन देन देयर इज लाइट। तो दो पार्ट हो गया कि देयर इज सन और देयर इज लाइट, इफ और देन इसका क्या हो गया, कनेक्टिंग वर्ड हो गया। इसमें क्या होता है कि यह एक सोपादिक प्रकथन है और इसमें इसको क्या हेत्वाश्रित भी कहा जाता है, इम्प्लीकेटिव भी कहा जाता है। इसमें दो कंपोनेंट पार्ट हैं, निर्मायक भाग इसमें दो होते हैं जो एक उपाधि को व्यक्त करता है, इफ देयर इज सन और दूसरा है देयर इज लाइट। ये क्या है, दो कंपोनेंट है जो उपाधि है और जो देन के पहले है, मतलब जो उपाधि है और जो देन के पहले है उसे क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती कहा जाता है, उसे पूर्ववर्ती कहते हैं। और जो देन के बाद का जो भाग है, जो उपाधि पर डिपेंड होता है और जिसको उपाधि, उसको क्या कहते हैं, इम्प्लीकेट भी कहते हैं, कंसीक्वेंट कहा जाता है। यहाँ पर क्या है कि देयर इज सन और देयर इज लाइट, देयर इज सन क्या हो, देयर इज सन क्या हो गया, एंटीसीडेंट, और देयर इज लाइट क्या हो गया, कंसीक्वेंट। तो एंटीसीडेंट कंसीक्वेंट दो पार्ट हो गया। अब एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट ये क्या है कि इम्प्लीकेशन है। अब यहाँ पर इफ देन जो होता है उसका सिंबॉलिक लॉजिक में सिंबल क्या है, हॉर्स शू, ये जो घोड़े के नाल के जैसा हॉर्स शू होता है, क्योंकि इस पीपीटी में उसमें हॉर्स शू नहीं था,
इसीलिए क्लियर नहीं आया है, इसको ग्रेटर देन स्मॉल देन हो गया है, आप हॉर्सू इसको बना लेंगे, इसको जो है ना हॉर्सू बना लेंगे आप, ठीक है। इफ देयर इज सन देन देयर इज लाइट, अब इसका आकारिक रूप हो गया पी हॉर्सू क्यू, पी हॉर्सू क्यू। अब पी हॉर्सू क्यू जो है इसका क्या कहेंगे कि सोपाधिक प्रकथन जो होता है ट्रुथ वैल्यू, अब हम इसका क्या बताएंगे ट्रुथ वैल्यू। सोपाधिक प्रकथन सिर्फ एक ही अवस्था में असत्य होता है जब पूर्ववर्ती सत्य हो और अनुवर्ती असत्य हो, अन्य अवस्थाओं में सोपाधिक प्रकथन सत्य होता है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है या जो इम्प्लीकेशन है वह एक ही अवस्था में, तब असत्य होता है जब इसका पूर्ववर्ती सत्य हो और अनुवर्ती इसका असत्य हो, अन्य स्थितियों में यह क्या होता है सत्य होता है अन्य स्थितियों में। तो इसमें इसका ट्रुथ वैल्यू जो है बहुत ही इसका आसान है, ये सिर्फ याद रखने की चीज ये है कि हमारा ट्रुथ वैल्यू जो सत्यता मूल्य है ये हमें कैसे मिलता है, ये याद रखना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। अब इसका ट्रुथ टेबल है, इसका ट्रुथ टेबल क्या है पी क्यू पी हॉर्सू क्यू, यहाँ पर सही आ गया है पी क्यू पी हॉर्सू क्यू, टी एफ जैसे टी 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 हो गया, टी एफ एफ हो गया, एफ टी टी हो गया, एफ एफ टी, इस तरह इसका ये सत्यता मूल्य। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, कंजंक्शन निगेशन डिसजंक्शन और इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट, ये चार जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये चार कंपाउंड स्टेटमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं चारों को जाने और चारों का परिभाषा जाने और चारों का ट्रुथ टेबल ट्रुथ वैल्यू जाने और ट्रुथ टेबल जाने, और इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी हम जांच करते हैं। तो हमारे पास कुछ सवाल हैं जिसको मैं बताऊंगी कि कंपाउंड स्टेटमेंट कुछ सवाल हैं, जैसे कि सवाल मैं इसको बोर्ड पर बताती हूँ, तो यहाँ तो मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस पर कुछ सवाल आपको बता रही हूँ। जैसे सवाल आप देखेंगे कि जैसे कहते हैं कि इफ ए एंड बी आर ट्रू स्टेटमेंट एक्स एंड वाई आर फॉल्स स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट आर ट्रू, कहते हैं यदि हम ए और बी स्टेटमेंट को सत्य माने, एक्स और वाई स्टेटमेंट को हम असत्य माने फॉल्स माने, तो निम्नलिखित जो हमारा स्टेटमेंट है वह सत्य है कि असत्य है ये हमें बताना है। जैसे हम करते हैं कर्ल और ब्रैकेट में है ए भेर एक्स, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले टुकड़ा में तोड़ेंगे, उसके बाद हम इसका ट्रुथ वैल्यू, इसको मेरे को टेबल पता है तब हम इसको बताएंगे। तो इसको करके बताने से आप देखिएगा कि इसमें इसका जो निष्कर्ष आता है सो फॉल्स आता है, आप लोग इसको बना के थोड़ा टेस्ट करेंगे, एक तरह का सवाल ये है। और दूसरा इसमें सवाल आता है कि इफ ए एंड बी आर नोन टू बी ट्रू एंड एक्स एंड वाई आर नोन टू बी फॉल्स but the truth values of p and q are known are not known, of which of the following statement can you determine the truth value। ab isme kehta hai ki a aur b satya prakatan hai aur x aur y asatya prakatan hai aur p aur q ka value nahi diya hua hai, tab aap kaise nikalenge iska, to iska aap usi tarah nikalenge jaise pehle wale ka aapne nikala tha, सेम चीज इसका आप निकालेंगे। इस तरह हम लोग देखे कि सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट, चारों कंपाउंड स्टेटमेंट हैं, उस चारों कंपाउंड स्टेटमेंट के चार तरह के टेबल हैं
और चारों टेबल को हम याद रखते हैं। जब चारों टेबल को हम याद रखेंगे तो हम सवाल इसमें से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, अब आप कुछ सवाल पूछिए, पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें ये चीज और कि जैसे सिंबॉलिक लॉजिक में क्या होता है, जो सिंबल होता है वो तो कनेक्टिंग वर्ड का होता है। उसके बाद इसमें एक चीज और है कि एक आपको ट्रूथ और फॉल्स देना है, और दूसरा जब आर्गुमेंट हम देते हैं तो आर्गुमेंट हमारा वैलिड और इनवैलिड होता है। जैसे हम कहते हैं कोई भी आर्गुमेंट, तो ये दो तरह सवाल जो इसमें आता है, इसमें सत्य असत्य का एक तरह का सवाल हो गया, और आगे जब हम इसका करेंगे तो दूसरे तरह का सवाल इसमें आता है। इसमें जब हम इसका तीसरा इसका बाद में ये पढ़ेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म पढ़ेंगे, आर्गुमेंट फॉर्म पढ़ेंगे, तो इसका सवाल अलग अलग पूछता है। तो आप लोगों को इसमें से स्टूडेंट को थोड़ा सा इसमें समझने की यही चीज है कि लॉजिक जो हमारा होता है ये दो पार्ट में है। आपने देखा कि ट्रेडिशनल लॉजिक है और दूसरा लॉजिक आपका 20th सेंचुरी का लॉजिक है। सिंबॉलिक लॉजिक जो है वो 20th सेंचुरी का लॉजिक है, और ट्रेडिशनल लॉजिक जो है वो अरस्तु के द्वारा दिया गया है, मतलब 80 साल पहले का वो लॉजिक है। और दोनों में क्या अंतर है वो आप बताइएगा। दोनों में कहता है दे डू नॉट डिफर इन टाइम बट इन डिग्री। दोनों में गुणात्मक अंतर नहीं है बल्कि मनात्मक थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन बेस हमारा क्या है, बेस हमारा वही रहेगा ट्रेडिशनल लॉजिक का, अरस्तु का लॉजिक का, वेस्टर्न लॉजिक का। यही दो पार्ट है जो आपको लॉजिक में पढ़ना है, और उसके बाद से आप इसमें ये आप देखिएगा कि इसमें ये आपका यूनिट 4 चौथा यूनिट का पहला टॉपिक है, और इसमें जब मैं दूसरा टॉपिक बताऊंगी तो आगे का जो मेरा टॉपिक होगा ये टॉपिक होगा आर्गुमेंट फॉर्म का। आर्गुमेंट फॉर्म जैसे अभी हमने पढ़ा कंपाउंड स्टेटमेंट, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट, तब होगा आर्गुमेंट फॉर्म, युक्ति आकार। तो फॉर्मल लॉजिक है, आपको पता है ना लॉजिक दो तरह का होता है, मेटेरियल लॉजिक और फॉर्मल, निगमनात्मक और आगमनात्मक। तो जो निगमनात्मक लॉजिक है ये कंप्लीट फॉर्मल होता है। ट्रुथ भी यहाँ दो तरह के होते हैं, फॉर्मल ट्रुथ और मेटेरियल ट्रुथ। फॉर्मल ट्रुथ में क्या होता है, फॉर्मल ट्रुथ में क्या होता है कि जब हम फॉर्मल ट्रुथ जो आकारिक सत्य है, उस आकारिक सत्य में जब विचारों का आपस में सामंजस्य होता है और उसके अनुकूल हमको वस्तु नहीं देखना है, जब विचारों का आपस में सामंजस्य हो तो उस वो आकारिक सत्य होता है, और जब विचारों का आपस में सामंजस्य हो और उसके अनुकूल वस्तु हो तो वह क्या होता है, वास्तविक सत्य होता है। तो ये दो तरह के स्थित होते हैं, लेकिन हमारा फॉर्मल लॉजिक जो हमारा निगमन तर्कशास्त्र है, जो अरस्तु से लेके 20th सेंचुरी अमेरिकन लॉजिक है, आईएम कोपी की है, ये कंप्लीट आपका आकारिक लॉजिक है, ये कंप्लीट फॉर्मल लॉजिक है जिसमें आकारिक सत्य होता है। इसीलिए इसमें हम लोग तर्क ऐसा भी कर सकते हैं, आप देखेंगे ट्रूथ और वैलिडिटी, जब मैं तो ऑनर्स में बता चुकी हूँ, ट्रूथ और वैलिडिटी में भी इसी तरह का होता है कि स्टेटमेंट का गुण होता है, स्टेटमेंट या तो सत्य होंगे या असत्य, और स्टेटमेंट से क्या बनता है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को हम सत्य या असत्य नहीं कहेंगे, स्टेटमेंट का ये गुण है, लेकिन आर्गुमेंट को हम क्या कहेंगे, वैलिड और इनवैलिड। तो अंतर आ गया, बनता है आर्गुमेंट स्टेटमेंट से, लेकिन ये हम स्टेटमेंट जब जहां तक बन गया, और आर्गुमेंट में क्या होता है कि आधार वाक्य होते हैं और निष्कर्ष होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि All men are mortal, Socrates is a man, therefore Socrates is immortal. तो यहाँ पर all men are mortal जो हो गया ये, और Socrates is a man, ये हो गया आधारवाद, premise हो गया, और Socrates is mortal, ये हो गया conclusion. अब ये argument भी कहलाया, और इसका हर statement या proposition या तो सत्य होगा
ये असत्य होगा। ये कंप्लीट जो है आपका मतलब कि प्रकथन और आर्ग्यूमेंट, इस दोनों में थोड़ा सा बोलने में भी रहता है, दोनों को समझना होगा आपको। तो सिंबॉलिक लॉजिक और जो ट्रेडिशनल लॉजिक है, ये दोनों में बहुत ज्यादा संबंध है, लेकिन थोड़ा 20th सेंचुरी में लॉजिक का बदल जाता है। यहाँ क्या होता है कि बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट हैं दिए गए हैं, और उस आर्ग्यूमेंट को इसी चार टेबल, पहले तो हम इसी चार टेबल पर जांच करेंगे, आगे जब हम आगे। तो इसमें मैंने जो बताया कि सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट मैंने बताया इसमें, और सिंपल कंपाउंड स्टेटमेंट हम आखिर क्यों पढ़ते हैं, इसका भी मैंने कारण बता दिया स्टूडेंट को कि हम इसलिए इसको पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल लॉजिक और 20th सेंचुरी का लॉजिक में थोड़ा अंतर आ जाता है, पहले के लॉजिक में और अभी के लॉजिक में। ये अमेरिकन लॉजिक है, इसमें क्या किया है कि जितने भी मैथमेटिकल टाइप में उसमें इसको सिंबलाइज करके इसमें दिया है कि टेस्ट करते हैं हम कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट बता दिए कि उसको, जबकि स्टेटमेंट से ही बनता है आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट का गुण होता है या तो सत्य कहेंगे या स्टेटमेंट असत्य कहेंगे, या वह ट्रूथ होता है या फॉल्स होता है। जबकि जब आर्ग्यूमेंट होता है तो वह या तो असत्य होता है या वह वैलिड होता है या इनवैलिड होता है, इसको होता है। तो अब हमको क्या करना है कि जानना है कि स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट मेरे, हमें चार तरह के इसमें सवाल आते हैं। एक सवाल आता है ट्रूथ और फॉल्स बताने के लिए, दूसरे तरह का सवाल आता है वैलिड और इनवैलिड बताने के लिए, और तीसरे तरह का जो सवाल आएगा ये मेथड ऑफ डिडक्शन में आएगा, जो कि अगले चैप्टर में है। और उसके बाद आप देखिएगा कि लॉजिकल इक्विवेलेंस, एक टेबल और है आगे लॉजिकल इक्विवेलेंस में, उसके बाद मेथड ऑफ डिडक्शन आता है। तो इसमें ये सबसे सिंपल से हम कहते हैं ना कि बढ़ रहे हैं लॉजिक में, क्या होता है कि उसका टेस्ट किया जाता है, जो भी आर्ग्यूमेंट है वह बड़ा बड़ा आर्ग्यूमेंट देता है और उसको हम लोग उसमें टेस्ट करते हैं, और उसकी इस चारों टेबल है, इस टेबल को याद रखना है, ठीक है। अब आप